हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं 2019-20 सेशन के लिए हम लोग कमर कस रहे हैं कि कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना है कंप्लीट बोर्ड का, कैसे प्रिपरेशन करना है जेई का, कैसे प्रिपरेशन करना है नीट का। पूरा माइंड में सेटअप रखते हुए एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इस सेशन का। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जब पूरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे सबसे पहले। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग सबसे फर्स्ट आर्टिकल जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट से पहले मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बोल रहा हूं कंडीशन की सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर है टू कंपोनेंट का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पे क्या आएगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट दिया गया था जिस यूनिट का नाम है कंसंट्रेशन यूनिट, राइट। सो कंसंट्रेशन यूनिट के डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप्स नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, सेकंड कंडीशन मोलैरिटी पढ़ेंगे, थर्ड कंडीशन मोलैलिटी पढ़ेंगे, फोर्थ कंडीशन अपन मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन, फोर्थ कंडीशन लिख रहा हूं आपके पास मास परसेंट पढ़ेंगे, मास परसेंट, और फिफ्थ लिख रहा हूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लिख रहा हूँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में आपको बोलने जा रहा हूँ पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये जनरल डिस्कशन करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट के अंदर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलिटी का सेक्शन अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, जिसकी वजह से आपको नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट आर्टिकल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी को अगर डिफाइन करना आपको तो नॉर्मलिटी लिखते हैं किसको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये लिख रहा हूं प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, समझना ध्यान से। पर लीटर, वन लीटर, वन लीटर के सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का होगा वही बेसिकली कहलाएगा क्या, नॉर्मलिटी, राइट। सो क्वेश्चन बात कि सर व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो ग्राम हो गया वेट इन ग्राम, तो आप जो भी वेट दिया होगा उसको ग्राम में लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो आपका निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, देखो कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होगा, अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट लेंगे और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे अपन वैलेंसी फैक्टर से। किससे बोल रहा हूँ, वैलेंसी फैक्टर, या लिख रहा हूँ अगर बेस होगा तो एसिडिटी लेंगे और एसिड होगा तो बेसिसिटी लेंगे इस तरह से, या चार्ज लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका होगा इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका। अब बात है कि सर ये एसिडिटी बेसिसिटी चार्ज वगैरह सब मैं डिस्कस करूंगा आपसे आके आगे, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से जरा, जैसे मैं एक जनरल बात आपको बताने जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ कंडीशन लेट डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी मैं मान रहा हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये लिख रहा हूँ कंडीशन एम बी, एम बी को मैं लिख रहा हूँ मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। और अगर मैं लिखूँ कंडीशन कि अगर ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालना है तो निकालने का तरीका होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, मान रहा हूँ ए, ठीक है, ये आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है कंडीशन कि वन लीटर के सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का होगा वो कहलाएगा नॉर्मलिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंडीशन कि मान लो हमने एक सॉल्यूशन लिया और एक सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम हमने मान लिया वी लीटर, ठीक है। सो वी लीटर के सॉल्यूशन में एग्जैक्टली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, डब्ल्यू बी अपॉन ए। तो लिखना चाह रहा हूँ आपको कंडीशन कि वी लीटर सॉल्यूशन, वी लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या लिखोगे आप, डब्ल्यू बी अपॉन ए, इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बोलो क्लियर है,
समझ लो कंडीशन। या दूसरा तरीका एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो अपन निकाल लेंगे कि सर 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना होगा। 1 लीटर के सॉल्यूशन में अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो डब्ल्यू बी अपॉन ई इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये लिखेंगे इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बोलो क्लियर है। तो अभी आपने बोला कि सर 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का होगा यही नॉर्मलिटी कहलाएगा। सो नॉर्मलिटी एन इक्वल टू आपके पास क्या मिला, डब्ल्यू बी अपॉन ई इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। राइट, क्लियर है यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूं, समझना ध्यान से। अगर यहां से आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अलग अलग तरीके हुए, ये तो नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला आपके पास आया, ठीक है। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट देखते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होगा, देखना ध्यान से। अभी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, नॉर्मलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन ई इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। राइट, सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो इस कंडीशन में ग्राम इक्विवेलेंट को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में वेट दिया हो तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी गिवन हो तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। कभी कभी क्वेश्चन में वेट न देके मोल दिया हो तब आप कैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो ना सर। सो एग्जैक्टली वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालने का अभी फॉर्मूला बता रहे थे कि सर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो लिख रहा हूं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपका मोल हो गया और ये ऊपर जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका आपके पास क्या मिला, मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। आप इससे ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3 तरीके हैं, अगर नॉर्मलिटी दिया हो तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, अगर क्वेश्चन में मोल दिया हो तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, और अगर क्वेश्चन में वेट दिया हो तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। राइट, क्लियर है बात। अब दूसरा कंडीशन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपने 11th के कॉन्सेप्ट को देखा होगा अगर, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जब भी दो सब्सटेंस को कंप्लीटली रिएक्ट करना है, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन ये लिया और एक सॉल्यूशन ये लिया, अगर इन दोनों को कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका होना चाहिए, तभी ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। बोलो क्लियर है। सो लिख रहा हूँ कंडीशन कि अगर इनको एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करना है, फॉर कंप्लीटली रिएक्ट, फॉर क्या लिख रहा हूँ, कंप्लीटली रिएक्ट, अगर इनको एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका होना चाहिए, सेकंड का। अगर इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा तो ये दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं कि हाउ मेनी एम एल ऑफ 0.1 mSCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद वन ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 having equimolar of both. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखना ध्यान से। आप लिख रहा क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mSCl इज रिक्वायर्ड। ये आपके पास 0.1 mSCl है, 0.1 mSCl बोल रहा है। हाउ मेनी ml मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है इसका इन ml, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mSCl इज रिक्वायर्ड। राइट, सबसे पहला जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो ना, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, पहले उसको गिवन डाटा को लिखने की कोशिश करो, आफ्टर दैट फाइंडिंग डाटा लिखो, और फिर अप्रोच पे जाओ कि हमें किस तरह से करना है कि आंसर पे हम पहुंच जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको गिवन डाटा पता चल गया ना, फाइंडिंग डाटा, तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो। सो एग्जैक्टली लिखना है 0.1 mSCl हमने लिया, हाउ मेनी ml, इसका वॉल्यूम कितना चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली, कंप्लीट रिएक्ट करेगा किससे, लिख रहा है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और प्लस
NaHCO3 ये मिक्सचर है जिसका वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, मतलब वेट ऑफ Na2CO3 और वेट ऑफ NaHCO3 का मिक्सचर का वेट 1 ग्राम दिया हुआ है और लिखा हुआ हैविंग इक्विमोलर ऑफ बोथ। इक्विमोलर मतलब दोनों का मोल क्या है, सेम है। अगर आप इसका मोल N मानते हो तो आपको इसका भी मोल जो है वो N मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ कंडीशन इक्विमोलर ऑफ बोथ, राइट, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, देखो अगर इनको कंप्लीट रिएक्ट करना है, लिखा हुआ टू रिएक्ट कंप्लीटली, क्या लिख रहा है कंडीशन, टू रिएक्ट कंप्लीटली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर कंप्लीट रिएक्ट करना है तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट HCl का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इस मिक्सचर का भी होना चाहिए, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, राइट। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप निकालने कोशिश करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी के टर्म में वॉल्यूम पूछ रहा है, तो लिखेंगे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आप सोचोगे कि सर अभी ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अलग अलग मेथड बताया था, आप सोचोगे मोलारिटी दिया हुआ है सर, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। आप ध्यान रखना, आगे जाके मैं इसको प्रूव करूंगा। तो मोलारिटी 0.1 है और वैलेंसी फैक्टर यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर 1, तो 0.1 आ गया। सो नॉर्मलिटी 0.1 और इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मिलीलीटर में, कोई बात नहीं, लीटर में निकाल के लास्ट में मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो बात है सर, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मोल दिया हुआ है, अगर मोल दिया हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, याद है। तो मोल किसका लेंगे आप, Na2CO3 का, वैलेंसी फैक्टर भी किसका लेंगे, Na2CO3 का, और ये प्लस, ठीक है। यहाँ भी ग्राम इक्विवेलेंट में मोल दिया है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे मोल ऑफ NaHCO3 और इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaHCO3, राइट, क्लियर, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है पर इसको बहुत ईजी वे में मैं लेके आया हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखना इधर, मोल इसका कितना है N, बात है सर वैलेंसी फैक्टर कैसे होगा, Na2CO3 है, टूटेगा 2Na+ और CO3 2-, तो टोटल पॉजिटिव भी दो और टोटल नेगेटिव भी दो, तो चाहे टोटल पॉजिटिव ले लो चाहे टोटल नेगेटिव ले लो, वही वैलेंसी फैक्टर होगा एनी कंपाउंड का। प्लस मोल ऑफ NaHCO3 कितना है, इसका भी N इक्विमोलर है और इंटू वैलेंसी फैक्टर अगर आप देखोगे तो Na+HCO3-, तो टोटल पॉजिटिव भी 1, टोटल नेगेटिव भी 1, सो ये 1 आ गया, तो ये 2N+N 3N हो गया, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 3N हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने इसको, राइट। अब क्वेश्चन मार्क पता क्या है, अगर ये N हट जाए तो वॉल्यूम निकाला जा सकता है, पर बात है कि सर N कैसे हटेगा, N हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, जरा सोचो। क्वेश्चन में एक चीज हिंट किया हुआ है कि इन दोनों का वेट जो है वो 1 ग्राम है, कितना है 1 ग्राम। सो लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, गिवन है क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है कि जो वेट ऑफ क्या Na2CO3 है, वेट ऑफ Na2CO3 और वेट ऑफ NaHCO3 ये दोनों मिलकर कितना ग्राम बोल रहा है, 1 ग्राम। एक काम करो, ये N क्या था, मोल है, तो क्यों ना इस वेट को मोल के टर्म में कन्वर्ट किया जाए। आप सोचोगे सर वो कैसे होगा, होगा ना, आपको तो ये बात पता है ना कि मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो भैया मेरे वेट इक्वल टू आप लिख सकते हो मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट, यहाँ से निकल जाएगा, जहाँ वेट है वहाँ कर दो मोल, मोल कितना इसका N और इंटू मॉलिकुलर वेट इसका निकालोगे तो 106 प्लस, इसके भी वेट को लिख दो इस कंडीशन में मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, तो इसका मोल कितना है N और इंटू मॉलिकुलर वेट 84 इक्वल टू आप अगर निकालेंगे तो ये 1 ग्राम है, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये कितना हुआ, ये देखो तो 106 N और 84, ये 190 N इक्वल टू 1 आ गया, या इसको लिख सकते हो उल्टा, N इधर राइट है तो इसको N को इधर ले आओ, 1 इक्वल टू 190 N, इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास निकल के आया, ठीक है। अब अगर 1 और 2 पता चल गया तो हम लोग क्यों ना किस्सा करें, 1 और 2 को डिवाइड कर दें, समझ रहे हो मेरी बात, 1/2 कर देते हैं। अगर आप 1/2 करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ डिवाइड करना और राइट को राइट के साथ, एन को एन के साथ, तो ये हो जाएगा क्या 0.1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर और डिवाइडेड बाय इधर राइट में क्या है 1 इक्वल टू इधर राइट में 3N, इधर राइट में 190N, ये 3N और ये 190N।
अब एन कट गया, यहाँ से केवल वॉल्यूम निकल जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको इधर लाके, तो 0.1 × 2 कितना हो जाएगा 190, और ये 3 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू 0.156 लीटर आएगा, और मिलीलीटर में लेंगे तो 156 मिलीलीटर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, और बहुत इजी वे में मैंने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।